हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ में हम कल जो एयरफोर्स स्ट्राइक हुई थी परेड कैंप से उसके लिए हम बहुत खुश हैं और हम उसको मोदी जी को अभिनंदन भी दे रहे हैं। इसके साथ में हमारा दो डिमांड है, एक क्या है, आर्टिकल 370 को 370 को हटा लेना चाहिए और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए। ये दो हमारे मुद्दे हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि सभी नागरिक देश में हर सिटीजन को इक्वल राइट मिलता है, इक्वल लॉ मिलता है और ये जो सभी कश्मीर लोगों को ये नहीं लगेगा कि वो अलग है और हमको ये नहीं लगेगा कि उनको अलग से प्रिविलेजेस दे रहे जा रहे हैं। तो ये कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए और ये तुरंत ये आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना अगर मुश्किल है तो मैं तो एक ऐसा सजेशन दूंगा गवर्नमेंट को, आप इमिडिएटली इसको सस्पेंड कीजिए, टेम्पररी सस्पेंड कीजिए ताकि हर कोई एक बन जाए और हमारे देश की रक्षा करने के लिए कभी भी हमारे सुरक्षा दल या क्यों हमारे देशवासियों की मौत हुए और वो लोग तो रुक रहे नहीं, वो लोग तो टेररिस्टों को बनाते हैं, उन लोग कैंप बनाते हैं, ये करते वो करते हैं, उनको उनको उनका जिहादी है उनका दिमाग। तो हमको एक दीवार बनाना चाहिए, एक ऐसा दीवार भारत देश में और ये बॉर्डर पे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को कंप्लीट सील किया जाए ताकि वहाँ से इंसान नहीं कोई जानवर भी वहाँ से अंदर आना नहीं, बिल्ली कुत्ता भी हमारे बॉर्डर के अंदर आना नहीं देश के अंदर। इस तरह सा एक जहाँ हमारे अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मेक्सिको और अमेरिका में इतना बड़ा दीवार बना देंगे, उसी तरीके का दीवार हम यहाँ बनाने के लिए मोदी जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 70 साल से ये धारा खत्म नहीं हुई, आपको क्या लगता है अब कैसे खत्म हो जाए, इतनी विरोध हो रहा है? यही तो है देश की दुर्गति कि आपको 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, फिर हुआ 96 में, 2000 में, 2001 में, 2003 में, 2008 में, तो मुंबई में हुआ था 2008 का इंसिडेंट। अब जब भी होता है तो तभी हम रिएक्शन करें, बॉम्ब डालें, इसका हल नहीं, इसके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहिए और कश्मीरों को, कश्मीर हिंदुस्तान का है ना ही किसी बाप का, ये तो सभी को बताना चाहिए, हम कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं किसी बाप का और ये कश्मीर के लोग हैं, इनमें भारत की तरफ उनकी जान आना चाहिए ताकि ये जो पाकिस्तान है वो एजेंटों को बुला ये जो क्रिमिनल्स को भिजा के, टेररिस्टों को भिजा के इनके दिमाग को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता चलना चाहिए कि भारत एक सुरक्षित देश है और भारत का है कश्मीर हिस्सा और कश्मीरवासियाँ अपने भाई है, भारत के एक हिस्सा है, अंग है और उनको कश्मीर के और लोगों को पाकिस्तान की कश्मीर की, लेकिन जो कश्मीर के की सरकार के जो मतलब कश्मीर की जो सरकार में मंत्री हैं, ये सरकारें हैं जो वो इसका विरोध करते रहे हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हो, वो तमाम इसका विरोध करते हैं, आप इसको कैसे देखते हो? क्यों विरोध करते हैं? भारत का हिस्सा नहीं, अपना अलग ही चाहते हैं, क्या अलग चाहते हैं, कश्मीर को अलग चाहते हैं? नहीं, ये तो वो सभी लोग भारत के वासी है, कश्मीरी जैसा दिल्ली वासी है, जैसा कश्मीर वासी है, सब भारत वासी है, मुंबई वासी है, साउथ वासी है, आंध्र का है, तेलंगाना, ये सभी लोग वो भी हमारे देशवासी है, ये हम भारत को, अखंड भारत को सुरक्षित लगाना चाहते हैं, इसको जुड़ के ही लगाना चाहते हैं और कोई भी ऐसे कोशिश करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब तो देना ही चाहिए और जो मोदी जी ने कल किया है वो कई पहले ही करना था, वो तो थोड़ा देर हो गया, अभी ऐसा जो भी बॉर्डर है उधर पे पाकिस्तान के, जैसा मैं पूछता हूँ ओसामा बिन लाडन का, तो उसको पाकिस्तान के अंदर घुस के अमेरिका ने लोग मारे थे, तो ये हमारे को क्यों तकलीफ हो रहा कि उनके टेररिस्टों को घुस के उनको यहाँ उनको आने नहीं देना है, तो ये दो चीज़ें अपने देश को सुरक्षा लगते हैं हमको, हम तो भारतवासी कभी बाहर जाते नहीं, किसी को जीते नहीं, किसी को हर्ट नहीं करते, किसी के लिए गलत नहीं सोचते, तो वो लोग हमारे बारे में क्यों गलत सोचते हैं? इस देश की सुरक्षा है सबसे बढ़िया है ताकि हम सब लोग पीसफुल जी सकें, हर भारतवासी आराम से लाइफ लीड कर सके, यही हमारी उम्मीद है।